क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? ये सवाल बिहार की सियासत में एक बार फिर से लगातार घूम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर चैती छठ में खरना का प्रसाद खाने अचानक से पहुंच गए। बीजेपी एमएलसी के घर नीतीश का अचानक पहुंचने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और एक बार फिर से बिहार की सियासत में सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संजय मयूख बीजेपी के एमएलसी तो हैं ही, साथ ही वो अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। बता दें कि पिछले कुछ मौकों पर अगर हम देखें तो नीतीश कुमार विपक्ष के कई मुद्दों से खुद को अलग रखते हैं। तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है। इन सब के बीच पूरे मामले पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद बढ़ी है। राहुल की सदस्यता खत्म होने पर जहां सभी पार्टी एकजुट है विपक्ष की, वहीं नीतीश कुमार उस मामले पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष की सियासत कर रहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने का अब मन बना रहे हैं। और इन्हीं सवालों के बीच नीतीश कुमार जो हैं बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने अचानक से पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार के संजय मयूख के घर जाने भर से बिहार में सियासत तेज है। कयास ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। कयास लगे भी क्यों ना, क्योंकि एक साल पहले भी नीतीश कुमार कुछ इसी स्टाइल में राबड़ी आवास गए थे और उस वक्त भी चर्चाएं तेज हुई थी और 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया था। बता दें कि पिछले साल रमजान के मौके पर नीतीश कुमार जो हैं तेजस्वी यादव के घर इफ्तार पार्टी पर गए थे। उस दरमियान भी नीतीश कुमार जो हैं एनडीए के साथ हुआ करते थे। अचानक से सीएम आवास से पैदल चलकर नीतीश जब राबड़ी आवास गए, उस वक्त भी चर्चाएं बड़ी तेजी से हुई थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और उस इफ्तार पार्टी की घटना के कुछ महीनों बाद ही नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन का हाथ थाम लिया था। एक बार फिर से नीतीश कुमार की नजदीकी बीजेपी के नेताओं के साथ बढ़ रही है। संजय मयूख के घर नीतीश कुमार पहुंचे हैं, जिसके बाद चर्चाएं तेज हैं कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी को सिग्नल दे रहे हैं। इससे पहले 25 दिसंबर को अटल बिहारी की जयंती के मौके पर भी नीतीश कुमार ने सरकारी कार्यक्रम किया था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश के बर्थडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और इसके अलावा राजनाथ सिंह का फोन भी नीतीश कुमार को आया। और आगे चलकर जब बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई, तब अमित शाह ने खुद नीतीश कुमार को फोन किया। तो देखना होगा कि नीतीश एक बार फिर से चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हिंट लगातार बीजेपी को दे रहे हैं। अब नीतीश के हिंट को बीजेपी लेती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो लगातार बीजेपी से अपनी नज़दीकी दिखा रहे हैं, ये आरजेडी को सचेत करने के लिए भी दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार आरजेडी को दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए खुला है और ऐसे में अगर आरजेडी सत्ता में रहना चाहती है तो फिर नीतीश के साथ जो है संयम में रहे, हद में रहे। अगर दायां बायां हुई तो नीतीश कुमार जो हैं एनडीए के पाले में भी जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में फिलहाल स्थिति ऐसी है कि नीतीश अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी और अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो आरजेडी की सरकार चलती रहेगी। इसलिए बिहार की सियासत में नीतीश की वैल्यू बढ़ी हुई है और नीतीश कुमार बीच में जो है सियासत को बैलेंस कर रहे हैं, बीच में खड़े हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ रहते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में भी जो है सियासत कुछ आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए देखना होगा कि केंद्रीय राजनीति करने की महत्वाकांक्षा लिए महागठबंधन के पाले में गए नीतीश कुमार आगे चलकर क्या पलटी मारते हैं या नहीं। तो बिहार की खबरों पर नजरें हमारी टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।